पल्सर एंड टू फिफ्टी दिस इज द बिग्गेस्ट पल्सर अभी तक बजाज के पास है बहुत सारे इसके ऊपर स्पेक रिव्यूज और वॉक अराउंड सारी चीज़ें आ गई है लेकिन आज प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि इसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है सिटी में कैसे चलेंगे और साथ ही साथ नो नॉन सेंस प्योर टॉक अबाउट द कम्फर्ट एंड रिलायबिलिटी सो विदाउट एनी डिलेलेट्स गेट स्टार्ट पल्सर एंड टू फिफ्टी को रोड पर चलाने के बाद एक चीज़ तो क्लियर है कि ये बहुत ही अच्छा पावर प्रोड्यूस करती है

कंक्लूजन के बारे में डिटेल में बात करेंगे मोटरसाइकिल को सामने से देखने पर ही आपको पता चल जाएगा दिस इज अ वेरी बल्की मोटरसाइकिल नॉर्मल पल्सर जैसी दिखती है जैसी हल्की होती है वैसी नहीं होती और सबसे बड़ा उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है ना इट इज ऑफ दिस यहाँ पर 37 एमएम के आपको यूएसडी सस्पेंशन देखने मिलते हैं एंड दिस इज द फर्स्ट पल्सर और इसका जो सेगमेंट है इन 250 सीसी सेगमेंट

मोड पर ही अवेलेबल है ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोटरसाइकिल को कंप्लीटली लॉक कर देगा जैसे ही आप एक सर्टन एंगल तक पहुंचोगे सर्टन स्लाइड के बाद आपका एबीएस होगा यह आपको थोड़ा सा एक फ्लेक्सीबिलिटी देता है दैट्स इट अल्टीमेटली इट्स अ स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल तो अब बात करते हैं क्या इस मोटरसाइकिल को आप सिटी में चलाओगे तो कैसा लगेगा भरी दोपहरी में भी इस मोटरसाइकिल को चलाने के बाद ये हीट नहीं होता ज्यादा आप एक कंफर्टेबल राइड सिटी में एंजॉय कर सकते हो द फर्स्ट थिंग दैट आई फेल्ट विद दिस मोटरसाइकिल वाज फर्स्ट गियर पे जो इसका पिकअप है वो काफ़ी डिसेंट है मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जो पुरानी मैंने एन टू फिफ्टी चलाई है उसके मुकाबले इसका पिकअप आपको बेटर लगेगा हायर आरपी पे मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस डिसेंट है इतना ज़्यादा नहीं जाती अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा ही निकलेगी बहुत अच्छे से मैं इसे भगाऊंगा उसमें आपको थोड़ा सा फील होगा कि हाँ ये मोटरसाइकिल उतना नहीं कर दी दिस इज स्टिल अ फाइव स्पीड गियर बॉक्स जिसकी वजह से आपको वो फील होता है ओवरऑल अगर इसके राइड क्वालिटी की बात करूँ दिस फील्स अमेजिंग इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है एंड ओवरऑल 800 हंड्रेड mm एम की सीट हाइट सो आराम से कोई भी बैठ सकता है आई एम फाइव बहुत ही आराम से मेरा फ्लैट फुट है इट्स इट्स समथिंग जो हर कोई चला सकता है इफ़ यू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ दिस मोटरसाइकिल आपको एक बहुत ही लाइट हैंडल मिल जाएगा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है एंड थर्ड बहुत सारे टाइम पर ऐसा होता है कि जो कंपनीज़ होती है वो मिरर अच्छे क्वालिटी के नहीं देते इसके अंदर मिरर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं विजन आपको अच्छा मिलता है अगर आप सिटी में चला रहे हो या फिर आपको एक अच्छे राइड का एक्सपीरियंस चाहिए तो अच्छे मिरर होना बहुत जरूरी है आप फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसके अंदर टर्न बाय टर्न नेविगेशन ब्लूटूथ ट्रैक्शन कंट्रोल कॉल एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इस सेगमेंट में जितनी भी स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल्स आती है उनके मुकाबले एन टू फिफ्टी मोटरसाइकिल दिस इज वॉट आई फेल्ट

थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो इम्प्रूवनी होनी चाहिए वो इम्प्रूव हो रही है तो फाइनल कंक्लूजन अगर आप इस मोटरसाइकिल के साथ सिटी में राइड करते हो विद ऑल द फीचर्स दैट दिस मोटरसाइकिल ऑफर्स टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको काफ़ी हद तक हेल्प भी कर देगा जो प्राइस पॉइंट पर यह मोटरसाइकिल आ रही है इसमें आपको और कोई दूसरी ऐसी मोटरसाइकिल नहीं है जो अच्छा पावर अच्छी रिलायबिलिटी हैंडलिंग और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें ऑफर करें इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और यू वॉन्ट अस टू टॉक अबाउट समथिंग जो इसके अंदर मिसिंग है डू लेटर्स नो इन द कॉमेंट डाउन बिलो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बिकॉज देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल वीडियोज ऑन मल्टीपल डिफरेंट सेगमेंट्स एंड डिफरेंट मोटरसाइकिल्स तब तक के लिए